हेलो गाइस, हमारे चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको यूनिट 4 जिसके अंतर्गत जो चैप्टर आ रहे हैं वो है अध्याय 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण, अध्याय 7 प्रत्यावर्त धारा और इस चैप्टर से निर्धारित अंक है 11 और इसमें बहुविकल प्रश्न और दो अंक वाले प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे वो इसमें यहाँ पर दिया गया है जिसे आप देख पा रहे हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हम यहाँ पर इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं यहाँ पर आपको चैप्टर नंबर 6 और उसके बाद चैप्टर नंबर 7 के लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे क्योंकि इस यूनिट में दो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। चलिए चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चंस के हम आपको आंसर बताते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 का पहला क्वेश्चन हमारे सामने इस तरह से है, विद्युत चुंबक की प्रेरण में प्रेरित विभाग बल निम्न से स्वतंत्र होता है। हमारे सामने चार ऑप्शन इस तरह दिए गए हैं, फ्लक्स में परिवर्तन, समय, फेरो संख्या और कुंडली का प्रतिरोध। तो यदि इसके विद्युत चुंबक की प्रेरण विद्युत बल का सूत्र देखें तो उसमें कुंडली का प्रतिरोध नहीं आता है, इसका मतलब यह है कि वो इससे स्वतंत्र है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है। तो स्वप्रेरकत्व का जो मात्रक होता है एम्पियर, फेराडे, हेनरी और वेबर। तो स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी, उसको हम कैपिटल एस से इंडिकेट करते हैं। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स पे ध्यान दीजिए, वेबर, गाउस, आइंस्टीन, टेस्ला। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वेबर होता है। उसके बाद चलते हैं, भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है क्या करने के लिए। तो चार ऑप्शन हमारे सामने दिए हैं, धारा रुद्धल बनाने में, चालमापी में, विद्युत ब्रेक में और उसके बाद में उपयुक्त सभी में। तो उपयुक्त सभी हमारा सही आंसर है। उसके बाद लेंज का नियम संबंधित है, किससे संबंधित है, ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आवेश संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से। तो आपके सामने ये राइट आंसर है, ऊर्जा संरक्षण के नियम से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है वो इस तरह से है, एक कुंडली की लंबाई को अपरिमित रखते हुए कुंडली में फेरों की संख्या दुगनी कर दी जाती है तो स्वप्रेरकत्व क्या होगा। ध्यान देना, फेरों की संख्या दुगनी कर दी जाती है तो प्रेरकत्व जो एल होता है वो एन स्क्वायर के क्या होता है, समानुपाती होता है। यदि एन को दुगना करेंगे तो दो का वर्ग चार हो जाएगा, इसलिए चार गुना हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा रहेगा, चार गुना रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आता है, विद्युत चुंबकीय युक्तियों में के प्रभाव को कम करने के लिए क्रोड को प्रचलित किया जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है भंवर धाराओं के प्रभाव को, किसको, भंवर धारा के प्रभाव को, धारा के प्रभाव को कम करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रम आनुपाती होती है। तो चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन की दर है वो ई के, जैसे डी फाइव बाई डी टी, आप ये देख पा रहे हैं डी फाइव बाई डी टी। तो ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन दर विद्युत बल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा प्रेरित विद्युत बल, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, प्रेरित विद्युत वाहक बल, वाहक बल आपको लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, स्वप्रेरकत्व किसी कुंडली के की माप होती है, किस बात के माप होती है, तो ये होती है विद्युत जड़त्व की, विद्युत जड़त्व, जड़त्व की माप होती है, ये आपको ध्यान रखना है। किसी मतलब स्वप्रेरकत्व किसी कुंडली के विद्युत जड़त्व की माप होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको लिखना है। उसके बाद में जो दो अंक प्रश्न इस तरह से हैं जिन्हें आप देख पा रहे हैं, छोटी छोटी परिभाषा हैं जो आप स्वयं पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन बताएंगे। तब तक के लिए आपका बहुत धन्यवाद, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें इस तरह के वीडियो। और अगला हमारा जो मिशन रहेगा, ऑब्जेक्टिव के अतिरिक्त जो न्यूमेरिकल प्रश्न है, जनरली संख्यात्मक प्रश्न है, क्वेश्चन तो जनरली बड़े बड़े क्वेश्चन तो मिल जाते हैं लेकिन जो संख्यात्मक प्रश्न है उन्हें बच्चे हल नहीं कर पाते हैं। तो संख्यात्मक प्रश्न को हल करने के वीडियो, इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो के बाद हम आपको हर चैप्टर वाइज बना के देंगे।